देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दिल्ली एनसीआर में पराली का धुआं और स्थानीय प्रदूषण लोगों का दम घोट रहा है। केंद्र की वायु मानक संस्था सफर इंडिया के मुताबिक पराली जलाने से उठने वाला धुआं और स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में हवा के खतरनाक होने का कारण साबित हुआ है। सती हवा अपने साथ पराली का धुआं भी दिल्ली एनसीआर लेकर पहुंच रही है, जिससे प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी दर्ज हो रही है। साथ ही अब लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित प्रदेश के अन्य शहरों की भी हवा प्रदूषित होने लगी है। सफर के मुताबिक 2.5 से बड़े कणों की PM10 में 58% हिस्सेदारी दर्ज हुई है। PM10 का स्तर 427 और PM2.5 का स्तर 249 माइक्रोग्राम प्रतिशत मीटर दर्ज किया गया है। रोक के बावजूद पंजाब में 1842, हरियाणा में 88, उत्तर प्रदेश में 9, दिल्ली में 1, उत्तर प्रदेश में 142 और राजस्थान में 27 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, पराली जलाने से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी प्रदूषणों में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वायु प्रदूषण का होता है। और ये मुद्दा सिर्फ भारत तक ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ये काफी अहम मुद्दा होता है। हमेशा UN में इस बात की चर्चा होती है, सभी देशों को इस पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि दिवाली के समय के बाद जो है वायु प्रदूषण जो है काफी ज़्यादा फैल जाता है, हवाएं जो है काफ़ी जहरीली हो जाती है, वही वायु प्रदूषण फैलने के कई कारण होते हैं, जिसमें से दो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो है लोकल सोर्सेस के माध्यम से जो है वायु प्रदूषण फैलता है, और जो है कि ये आउटर सोर्सेस के माध्यम से फैलता है। तो दिल्ली NCR की अगर बात किए तो यहाँ पे वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब और हरियाणा में फसलों के कटने के बाद जो परालियाँ जलाई जाती हैं, यानी आउटर सोर्सेस से जो है ये प्रदूषण जो है फैला हुआ है। और ये स्थिति इस साल की नहीं बल्कि पिछले कई सालों की है। जब भी पंजाब व हरियाणा में परालियाँ जलाई जाती हैं तो दिल्ली NCR की जो हवा है काफ़ी जहरीली हो जाती है। राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो आम इंसानों को करना पड़ता है, और ऐसे इंसानों को जो अस्थमा या दमा के शिकार होते हैं, जो इंसोफिलिया के शिकार होते हैं, ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मयूरू, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कुल 28 इलाकों की अगर हम बात करें तो 400 के पार पहुँच चुका है। वहीं अगर कुल 9 इलाके दिल्ली NCR के ऐसे हैं जिनके एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 के पार हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये हवा को जो है वो हवा की गुणवत्ता को नापती है कि वायु जो है कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। सीधे साधु में अगर देखा जाए कि जिस भी स्थान या शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच होता है तो उसको एक संतोषजनक एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है, लेकिन अगर 200 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगती है। और दिल्ली के कुल 28 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जा चुकी है और 9 इलाकों में 450 है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली इस समय सबसे प्रदूषित शहरों में से हमेशा की तरह इस बार भी टॉप पे है। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी तो है ही, लोकल सोर्सेस तो है ही, जैसे वाहनों की आवाजाही से, प्रदूषित वाहनों की आवाजाही से, या फिर कई कार्य ऐसे होते हैं उनकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि पंजाब व हरियाणा में जो फसलों के कटने बाद परालियाँ जलाई जाती हैं उससे जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा है। और हर साल सरकार अनुरोध करती है उन किसानों से कि परालियाँ न जलाएं, इससे वायु प्रदूषण होता है और लोगों को सांस की समस्याएं होती हैं। वही मेरू मैं आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR का इतना ख़राब हो चुका है कि अस्पतालों में अब OPD में 20% तक के मरीज जो हैं वो सांस की दिक्कत वाले आने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है, जो दमा के मरीज हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, जो इंसोफिलिया के मरीज हैं, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है उठानी पड़ सकती है। वहीं अगर दिल्ली NCR रीजन की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो गुणवत्ता जांचती है उसकी टीम जो
जो है वो आज एक बैठक करने वाली है, सभी जगहों के अधिकारियों को लेके एक बैठक करने वाली है। आज इस बैठक में ये भी निर्णय होगा कि इस पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए, क्योंकि इसकी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, आवाजाही लगी रहेगी, लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मरीज जो है अस्पतालों में तांता लगा के जाते रहे हैं तो अस्पतालों का भी रुख जो मरीज जो है करने लेंगे। मयूरी, बात सिर्फ दिल्ली NCR की ही नहीं है, यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी सख्त हो चुकी है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का इस समय का वायु प्रदूषण जो है इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी 197 हो चुका है। खैर, इसे संतोषजनक माना जा सकता है क्योंकि यह 200 के अंदर है, लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये जो गुणवत्ता है वो दिन ब दिन बढ़ते चली जाएगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है डेंगू की प्रकोप से जूझ रहा है, ऐसे में प्रमुख अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे OPD में 15 से 20% मरीज जो हैं सांस के मरीज आ रहे हैं। कल हमने अस्पतालों का भी दौरा किया था, लोकबंधु अस्पताल, सिविल अस्पताल और राम मनोहर लोहिया के अस्पताल, तो वहाँ सांस लेने वाले, सांस की दिक्कत वाले मरीज ज़्यादा आ रहे थे। अगर हम बात करें अस्पतालों की तो लोहिया में कुल 250 मरीज ऐसे थे जिनको सांस की तकलीफ आई थी दिवाली के बाद से, और सिविल अस्पताल में 220 मरीज ऐसे थे, बलरामपुर में 190 मरीज ऐसे थे, और कुल 300 के आसपास लोकबंधु अस्पताल में ऐसे मरीज आ रहे थे जिनको दिवाली के बाद से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मयूरी जी, विवेक, जैसे अभी आपने बताया प्रदूषण से मरीजों की संख्या बढ़ रही है अस्पतालों में, रोक के बावजूद भी पंजाब, हरियाणा कई ऐसी जगह है जहाँ भारी संख्या में पराली जलाई जा रही है, इस पर एक्शन कब लिया जाएगा, क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है इस पर? देखिए, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारण होते हैं, एक जो है स्थानीय सोर्स से होता है और दूसरा जो बाहरी सोर्स से होता है। तो दिल्ली सरकार जो है हमेशा से ही, और आज की बात नहीं है, हमेशा से ही जो है 50% हिस्सेदारी स्थानीय सोर्सों की होती है, 50% बाहरी सोर्सों की होती है। तो दिल्ली सरकार हमेशा ही पंजाब और हरियाणा पे ये आरोप लगाती आई है कि यहाँ के किसानों की पराली जलाने की वजह से जो है वो यहाँ पे वायु जो है प्रदूषित हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है। इसी तरह की राज्य सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, लेकिन कुछ खास एक्शन नहीं निकल के आता है, और इसका भुगतान जो है आम जनता को करना पड़ता है, उन लोगों को करना पड़ता है जिनको सांस की समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कार्यरत नहीं है, सरकार जो है जागरूकता अभियान चलाती है और लोगों को जागरूक करती है अनेक विज्ञापनों के द्वारा, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो या फिर टेलीविज़न के माध्यम से हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। मयूरी, वो हमेशा से ही जो है फसलों के कटने के बाद परालियों को जला देते हैं, जिससे दो नुकसान होते हैं, एक तो उनकी जो खेतों में जो बैक्टीरिया होते हैं जो फसलों को फ़ायदा पहुँचाते हैं वो मर जाते हैं, और जिसका सीधा असर फसलों पर होता है। दूसरा जो है वायु वहाँ की प्रदूषित हो जाती है, हवाओं के चलते वो प्रदूषित जहरीली वायु जो है दिल्ली NCR के क्षेत्रों में वो फैल जाती है, जिससे दिल्ली NCR के OPD में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीज पहुँचने लगे हैं अपनी दिक्कतों को लेकर, सांस के मरीज पहुँचने लगे दिक्कतों को लेकर। और अभी मैं आज की बात बताऊँ तो आज के आंकड़े के अनुसार 15 से 20% मरीज OPD में रोजाना जा रहे हैं जिनको सांस की समस्या है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक टीम को गठित किया गया है और आज एक अहम बैठक है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर आज इस बैठक में फैसला होना है। जो दोपहर बाद ये बैठक होगी कि दिल्ली के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या फिर खोले जाएंगे, जहां तक उम्मीद जताई जा रही है इतने खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद से कॉलेज और स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और NGT के सख्त आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है हरकत में आ गई है, उन्होंने अपने सभी जिलों की टीम को निर्धारित करके, सभी अधिकारियों DM SDM को निर्धारित करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और वहाँ के लोकल शहरों और जिलों के जितने भी प्रदूषित शहर हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, वहाँ पे क्या कारण है प्रदूषण का, क्या सोर्स है इस प्रदूषण का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारी जानकारी दी जाएगी, इसके समस्या का समाधान भी किया जाएगा। और सरकार ने ये कल आदेश भी जारी कर दिया था कि जो सड़कों पे जो गंदगी है उसको मशीनों से साफ सफाई की जाएगी, ताकि कम से कम मात्रा में जो है गंदगी जो है सड़कों पे उपलब्ध हो, जो भी गंदगी अभी है उसे हटाया जा सके।
दूसरी तरफ सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद अधिकारी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने कई जगह पे कई सारे कामों को प्रतिबंधित कर दिया। जैसे कोई कोई बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम हो, जैसे टाइल्स काटना हुआ या पिछड़ काटना हुआ, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में फ़र्क पड़ता है, वायु में उससे कण जो मिल जाते हैं जो जो इंसान या फिर मरीज के सांस में जाके उन्हें दिक्कत करते हैं, ऐसे कामों को दिल्ली एनसीआर ने प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ दो तीन परियोजनाएं ऐसी हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया, रेल का मामला हो गया, मेट्रो का कार्य हो गया, इन सभी कार्यों को छोड़कर ऐसे कुल 586 ऐसे विभाग हैं जिनके कार्यों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है, कार्यों को ठप कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं, सभी अधिकारियों को ये सूचित कर दिया गया है कि ये जिम्मेदारी लें अपने अपने शहरों की, अपने जिलों की, वहाँ का स्तर क्यों खराब है, क्या उनके कारण है, क्या बाह्य कारण है, सब पे नज़र रखें और इसके समस्या के लिए इसका समाधान जो है वो निकालें। मयूरी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।